सर वन बाय एन ln ऑफ वन बाय एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, बाकी बच्चों भी करो। देखो, अगर हम एक्स टू दी सर पावर एन 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 प्लस लॉग वन को टी सर मान वेट सकते सर वेट हैं, सर ये आ गया। बोलो। यस सर। नीचे एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, फिर एक्स की पावर एन को टी लेट कर देंगे। डी टी हो गया तो ऊपर वाला डी टी हो गया, तो ये क्या हो गया आपका टी माइनस वन, है ना। यस सर। ये आ गया ना। बताओ अब इसको कैसे करोगे। सर पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा ये, बिल्कुल। सभी बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन आता है? यस सर नो आता है। सर। ठीक है, अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं। बस इसको थोड़ा सा ये समझ लो कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, बस ये बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं आएगा। सर एक्स ओवर एन को टी लेट करता सर वन बाय टी माइनस वन माइनस वन बाय टी। बिल्कुल ये आएगा इसका, है ना। यस सर। ऐसा नहीं होता। बाद में देख लेंगे इसको डिटेल में, पार्शियल फ्रैक्शन तो बाद में समझाऊंगा। वन बाई टी माइनस वन का इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ टी माइनस वन, और इसका हो गया लॉग ऑफ टी, और टी को जो पुट करा था वो ले लो। अब लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया, तो वन बाई एन लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी। फिर जी टी को जो माना है वो लिख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। सर एक सर बार ये ऊपर से वैसे दिखाना। पार्शियल फ्रैक्शन वाला तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ रखा होता, हाँ पूरा तो नहीं पढ़ मतलब जो रखा। कॉन्सेप्ट है। हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है, बस हल्का फुल्का ना, उससे तो थोड़ा बहुत ही आइडिया आएगा। अभी तो इसमें क्वाड्रेटिक नॉन क्वाड्रेटिक सब आएंगे ना, वो तो हमने करा ही नहीं है। ये समझ में आ गया इतने? नहीं, बस ये बताओ आ गया सर। सर, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने एक्स की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। हाँ बेटा, ओके सर। एक क्वेश्चन और लिखना। सर वेट। अच्छा ठीक है। डन सर। ठीक है, सर एक बार ऊपर से दिखाना। सर हाँ सर एक्स की पावर एन को कॉमन लेके भी हो सर बन सकता है क्या? नीचे से एक्स की हाँ पावर एन को कॉमन ले ले। एक ही बात आएगी, वो एक ही बात आएगी, ओके सर, मैंने उससे क्या था। वो बेटर है। बल्कि हाँ तुम्हारा बेटर मेथड इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी मैंने वो नहीं पढ़ाया ना, क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो मेथड बेटर लगा। बहुत सही बोल रहे हो तुम। एक्स टी पार एन कॉमन लेंगे तो ये एन प्लस वन बनेगा,
और ये बनेगा वन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन, वेरी गुड यस सर। तो पावर बढ़ जाएगी, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन को टी मान लेंगे, तो माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन dx बराबर dt हो जाएगा, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगेगा बच्चों, ये बेटर मेथड है, इसमें वो भी नहीं लगेगा। तो ये पूरा t हो गया, ये हो गया माइनस वन अपॉन एन डी टी, है ना। बोलो सर। ये आ गया, वेरी गुड, ये सही है। देख लो एक बार, लिखो अगला क्वेश्चन। करो, इंटीग्रेट करो इसको। ओके सर। टेन एक्स प्लस कॉट एक्स एक साथ है? हाँ, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स है, टेन एक्स अलग है, कॉट एक्स इनटू कॉट टू दी पावर एन माइनस टू एक्स है। सबका हो गया? कर रहे हैं सर। हो सर, करो करो। नहीं बना तो एक काम करो, प्लीज वेट सर, वेट सर प्लीज, बस एक काम करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्या तुम्हारा? ओके सर। एक मिनट इधर आना।
बेटा स्क्रीन आ रही है ना? यस सर। साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया। यस सर। ये आ गया है ना? कुछ नहीं है, एलसीएम वगैरह ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी स्टेप्स। बताओ यस सर। क्या बचेगा यहाँ पर? देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, ये साइन टू द पावर एन माइनस टू और ये एन माइनस वन से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन। होगा या नहीं होगा? साइन टू द पावर माइनस वन यस सर। तो ऊपर जाके साइन एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ऊपर जाके साइन एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली ये आएगा साइन टू द पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स अपॉन, और अपॉन में ये वाला टर्म बचेगा साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स। अब इसको मैं अगर टी मान लूं तो देखो ऊपर वाला टर्म बन रहा है नहीं बन रहा। बन रहा है सर। इसको टी मानेंगे ऊपर वाला टर्म मतलब वन बाई एन डी टी बन जाएगा। हो गया नहीं हो गया क्वेश्चन सॉल्व? सिंपल यस सर। कैलकुलेशन था बस इसमें। बताना जब हो जाए तो फिर मैं अगला क्वेश्चन शेयर करूंगा। सर वेट, वन बाय एन लॉग साइन ए साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स। हाँ बिल्कुल यही आएगा। सर 2 मिनट। ठीक है। सर इस स्टेप के बाद क्या करना? बस नीचे वाले को टी मानना है, ऊपर वाला अपने आप में डीटी में कन्वर्ट होगा। सर
सर एन लॉग टी, एन लॉग टी बेटा हो रहा है नहीं हो गया सर सर यही रहेगा ना फाइनल आंसर टी की वैल्यू रख देंगे बस वो तो रख ही देंगे ठीक है इसका डेरिवेटिव ये होगा ना माइनस एन कॉस एन की पावर माइनस वन साइन एक्स इनटू डी एक्स ये हो जाएगा तो ये टी है तो ये एन डी टी है मतलब वन अपॉन एन डी टी है चलो आगे बढ़े अब जी सर एक देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है डी एक्स की जगह कुछ और लिख देगा वो जरा करना डी एक्स की जगह लिख दिया डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू सर कर रहे हैं सर टू बाई थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर थ्री बाई टू प्लस सिक्स बेटा आंसर तो तुम्हारा मतलब इनके आंसर से मैच नहीं कर रहा है क्या करा है तुमने सर एक्स स्क्वायर प्लस वन को वाई मान लिया अच्छा टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू आ रहा हाँ ये सही है ये सही है अब आप सोच रहे होंगे सर फिर मैंने वन अपॉन रूट वाई का इंटीग्रेशन गलत कर दिया तुम्हारा भी वही आ रहा हो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हो जाएगा मतलब फॉर्मेट बदलेंगे ना तो हो जाएगा एक सेकंड जरा स्क्रीन में क्या हो गया टाइम क्यों नहीं ले रहा है मैं भी दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन स्क्रीन में कुछ दिक्कत हो गई थी ओके सर आ गई ना यस सर देखो एक चीज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा टू एक्स होगा या नहीं होगा जी सर यस सर तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा टू एक्स डी एक्स हो गया क्वेश्चन सॉल्व अब एक्स स्क्वायर प्लस टू को कुछ भी मान लो टी मान लो टी स्क्वायर मान लो कुछ भी मान लो तो इसको अगर मैं टी स्क्वायर मानूंगा तो टू एक्स डी एक्स क्या होगा टू टी डी टी अच्छा काटने की भी जरूरत नहीं है तो टू एक्स डी एक्स की जगह लिख दो टू टी डी टी और नीचे टी स्क्वायर का रूट लिख दो टी तो आंसर इज टू टी प्लस सी सर 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 मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन को वाई मान लिया तो क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा तो डी वाई नहीं हो जाएगा हाँ वो हो जाएगा ना अगर तुमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को वाई मान लिया तो ये डी वाई हो गया और ये वाई प्लस वन हो गया ये भी एक तरीका सही है बिल्कुल यस सर लेकिन इससे आगे का जाएंगे वाई प्लस वन की पावर थ्री बाय टू सर वो ही निकाली है मैंने वो ठीक है ठीक है ठीक है वो सही है वो एक्चुअली एक ही फॉर्मेट है वो आंसर अलग है मैंने बोला था ना आंसर अलग है बट वो एक्चुअल में अलग नहीं है समझ में आ रही है बात ओके सर ये चलो अब आगे बढ़े थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन का
यस सर। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और लिखो। M belongs to a natural number. इसको सॉल्व करो। हेलो हेलो सर, आप फ्रीज हो गए थे। है बेटा? नहीं सर। आप सर हाँ जी, सर जैसे डिफरेंशिएशन में अगर मल्टीपल में होता तो एक का कर दें फिर दूसरे कांस्टेंट रखते हैं, वो तो नहीं होता ना इंटीग्रेशन में। नहीं, इंटीग्रेशन में तो कोई लॉजिक नहीं है, वो बाद में आएगा भाई, यस सर। बात तो बाद में बताऊंगा, बट ये सब नहीं है।
और है ना बच्चों, जी सर देखो ये जो पावर के अंदर वाला टर्म है ना, इसी को टी मान सकते हैं, याद रखना, क्योंकि अगर इसको टी मानेंगे तो ये तो डीटी होगा नहीं। अब इसके हिसाब से इसमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारा कुछ सेटलमेंट हो जाए, है ना। यस सर, ट्राइंग। ठीक है, बताओ मैं एक सेकंड सर। सर कर रहे हैं सर अभी। हाँ ठीक है ठीक है, टेक योर टाइम, नो इश्यू। कुछ ज्यादा ही अजीब सा आ रहा है इसका। और नहीं वो तुम्हें बात अजीब की नहीं है, तुम्हें ये लग रहा होगा कि सही है या नहीं है, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है ये। नहीं सर नहीं बना। देखो मैं बताता हूँ, जो भी पावर के अंदर है उसी को टी मान सकते हो, इसको तो मान नहीं सकते, तो समझ में आती होगी बात। सर ऐसा क्यों? अरे इसको मानोगे तो पावर के अंदर वाला तो डीटी नहीं बनेगा ना। यस सर यही करते हैं, यही तो किया सर। इसको कुछ मान लूं तो पावर के अंदर वाला डीटी कैसे बन जाएगा? ओके सर। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 × 2 = 4 एक्स की पावर 2m-1। यहाँ कहीं ऐसा नहीं है, इसका होगा 3m x की पावर m-1, ये भी नहीं है। बोलो। यस सर। यस सर। अगर हम इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें ये बताओ, जो हमारा कुछ सेटलमेंट हो जाए। x। क्या बोल रहे हो? x से डिवाइड कर दें अगर लेफ्ट वाले को। इस वाले को। यस। बिल्कुल सही जा रहे हो।
अगर हम इसको x से डिवाइड कर दें तो ये हो गया x की पावर 3m माइनस 1, x की पावर 2m माइनस 1, x की पावर m माइनस 1, और x से मल्टीप्लाई कर दें तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला x इसके अंदर ले जाओ तो इसके अंदर जाके x की पावर m बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि पावर 1 बाई m है। यस सर, ये बन जाएगा 2x की पावर 3m, ये बन जाएगा 3x की पावर 2m, और ये बन जाएगा 6x की पावर m पावर में 1 बाई m dx। बताओ गलत है या सही है? सही है सर। x से डिवाइड करा तो ये वाले बना दिया, x से मल्टीप्लाई करा तो वो x इसके अंदर ले गए, इसके अंदर ले गए तो x की पावर m अंदर चला गया, तो ये ऐसा आ गया। सही है? यस सर। नाउ पुट दिस वैल्यू एंटायर जो ब्रैकेट के अंदर है जिसमें पावर है, अगर मैं इसको t मानूं तो बताओ ये वाला dt के टर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, बताओ। यस सर, 6 कॉमन आ जाएगा पूरा, 6m कॉमन आ जाएगा। तो इसको t मान लो तो बचा हुआ dt हो गया। बोलो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। t की पावर m मान लेते हैं ना सर? क्या बेटा? t की पावर m। हाँ सो जो भी है, मतलब ये t मान लिया तो t की पावर m मानोगे, क्या फर्क पड़ता है सर? ये t मान लेंगे तो ये t की पावर 1 बाई m हो गया, और ये वाला हो गया 1 अपॉन 6m इंटीग्रल ऑफ dt, वो जो भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो 1 अपॉन 6m इंटू टी की पावर 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t हमने जो माना है वो आ जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर, एक सेकंड सर। हाँ ठीक है सर, मैंने किया तो ऐसी था, लेकिन मैंने x की जब दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करी तो x की पावर m से नहीं, सीधा x से कर दिया था। हाँ वो मैं समझ गया, वो उससे गलत हो जाएगा ना, वो अंदर जाएगा तो x की पावर m बन जाएगा ना। सर अगर हम इसको t के पावर m मानते तो अलग आंसर आ रहा है सर, करके देखो। अगर सर वो ही किया मैंने, कोई अलग नहीं आएगा, वो फॉर्मेट अलग होता है बस। ओके सर, वो t के पावर m डॉट dt बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, t के पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। सर फॉर्मेट अलग बनेगा लेकिन लास्ट में टी की वैल्यू रखने के बाद सेम आना चाहिए ना? बिल्कुल हाँ, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। यस सर, सेम आ रहा है। आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन बस यही होता है ना, वो उस समय दिखने में अलग हो जाता है, फिर हमें थोड़ी पता होता है कि जब हमने दूसरे मेथड से सॉल्व भी नहीं करा तो हमें पता ही नहीं होता है कुछ, हम तो वही आंसर मानते हैं ना, बस इतना सा फर्क होता है। सर अपॉन वाले 1 अपॉन m प्लस 1 से 6m का m कट जाएगा ना? हाँ m मल्टीप्लाई कर देंगे तो m प्लस 1 बन जाएगा वो। थोड़ा एनसीईआरटी तो आती होगी ना, मैं मान थोड़ा थोड़ा मान के चल रहा हूँ मैं। यस सर, थोड़ी आती है, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इनटू डी, सही है? इसके लिए एक ट्रिक होती है आइलैंड,
आइलेट मतलब होता है फर्स्ट दो फंक्शन दिए होते हैं तो इस ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। मान लो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको पहला बोलेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है नहीं पता, बोलो। नहीं पता सर। ठीक है, तो देखो इसमें सेकंड फंक्शन जो होता है ना, जनरली ये कोशिश करते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको सेकंड मानते हैं, याद रहेगा? यस सर। और इस ऑर्डर से याद है तो कोई बात ही नहीं है। आइलेट, आइलेट मतलब अगर जिस तरह के फंक्शंस होंगे इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो मान लो ये और ये है तो एल्जेब्रिक पहला, एक्सपोनेंशियल दूसरा, ये और ये है तो इनवर्स पहला, एक्सपोनेंशियल दूसरा। समझ में आ गया? यस सर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसी के अंदर है ये प्लस सी, ये फॉर्मूला याद रखना। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रल प्लस सी। सर सी तो अलग है ना पूरे से? हाँ वो तो पूरे से अलग है। ओके सर। सर हमेशा ऐसे ही होगा सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन वाला होगा? हमेशा ऐसे ही होगा। सर पिछला क्वेश्चन भी कर सकते थे इससे? पिछला क्वेश्चन भाई पार्ट तो नहीं था ना, दो फंक्शन का इंटीग्रल नहीं था ना, वो पार्शियल फ्रैक्शन था। वो पार्शियल फ्रैक्शन था, जैसे ये है x * cos x dx, तो आइलेट के हिसाब से ये एलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको ले लो x को, फर्स्ट फंक्शन * सेकंड का इंटीग्रल, तो सेकंड का इंटीग्रल हो गया sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 * सेकंड वाले का इंटीग्रल sin x dx, तो ये हो गया x sin x और ये cos का होता है माइनस प्लस cos x प्लस y। समझ में आया? जी सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना और ऐसे ही मतलब रेंडमली लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो log x करो सर, x प्लस क्या, x इनटू log x प्लस 1। हाँ ठीक है, सर एक बार फॉर्मूला दिखाना। इसमें एक log x है और एक 1 ले लो अपने मन से, 1 log x into 1, तो 1 क्या है, एल्जेब्रिक है, तो पहला फंक्शन log x ले लो और 1 को दूसरा फंक्शन ले लो, ठीक है ना? ओके सर। अरे इसका तो याद ही कर लिया था मैंने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन
इनटू सेकंड का इंटीग्रल एक्स हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी, ये कट गया तो ये हो गया आपका एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। बताओ सर। ठीक है एक क्वेश्चन और करो, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। इसमें भी वन लेके कर लोगे ना? यस सर, एक सेकंड। x sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट वन माइनस x स्क्वायर। ठीक है। x sin inverse x plus under root 1 minus x square plus c। अब बेटा आ गया ना आंसर, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले की डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। अब इसको कैसे करोगे, इसको t या t स्क्वायर मान लोगे, इसको डिनोमिनेटर को है ना, टी स्क्वायर मान के बहुत ही जोड़ जाएगा। बस 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 ठीक है। तो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन एक्स नहीं आएगा, वो एक्स डी एक्स की जगह लिख तो दिया एक्स, उसको भी तो डी एक्स के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे ना, ये वाला पूरे वाले पूरे फंक्शन को। सर इसमें आपने एक और dx नहीं लगाया ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट लगाया। अच्छा ओके हां ठीक है ठीक है। हां सर यही डाउट हो रहा था इतनी देर से। हां 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 ठीक है ठीक है ना। यस सर। एक जरा इसका वो देखो, जैसे कभी ऐसा लिखा हो ना e टू द पावर x इनटू fx प्लस f डैश x, ये एक याद ही रखना है तुम्हें। देखो इसका रिजल्ट याद रख लेना, इसका रिजल्ट आएगा e टू द पावर x इनटू fx प्लस c। कैसे आएगा देखो, ये दो अलग अलग इंटीग्रल हैं, ठीक है बोलो। यस सर। मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, की पावर एक्स एफ एक्स बन जाएगा इसका आंसर। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आइलेट वाले मेथड से पहला फंक्शन एफ एक्स होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स ही रहेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और इसको तुम ऐसे ही लिख दो और यहाँ पर ये ऐसे लिख दो, इसको नहीं छेड़ना है, इसको बस छेड़ना है, तो ये कट जाएगा, यही आंसर आएगा या नहीं आएगा? yes, तो जब भी कभी ये फॉर्मेट आएगी ना कि e टू द पावर x के साथ एक फंक्शन है
और एक इसका डेरिवेटिव है, तो ये उसका रिजल्ट आता है, याद रहेगा? कैसे आता है वो भी बता दिया। जैसे मान लो अगर ये होता e to the power x into tan x plus secant square x, मान लो ये होता तो क्या आंसर आता है इसका? e to the power x tan x, e to the power x tan x आ जाता, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखो। करो ट्राई। सर कौन सा टेन एक्स वाला बेटा? ये जो भी लिखा है मैंने e to the power x into 1 minus x upon 1 plus x square का whole square। ओके सर। e की पावर x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, सही है तुम्हारा आंसर। मैं करूं बताओ ये ऐसा आया? बोलो। यस सर यही आया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिस अपॉन दिस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आया, और ये आया माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो जी सर। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो ये अगर एफ एक्स है तो इंक्लूडिंग माइनस साइन ये टोटल एफ डैश एक्स है या नहीं है? यस सर। तो इसी फॉर्मेट में आ गया है नहीं आ गया? तो आंसर क्या आएगा इसका? e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। इंपॉर्टेंट टाइप है ये, सीबीएसई में तो पूरे ही इंपॉर्टेंट है, और जेई में भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आते हैं इस पर मतलब है ना सर। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी होगा ये? हाँ डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही है, बट कई मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली हो जाए, पर ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली है ही सर। e की पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आ रहा है इसका? हाँ। ओके सर, ओके सर। अगला क्वेश्चन लिखो।
वापस आ गया वो बच्चा हो गया बच्चों कर रहे हैं यस सर हो गया एक सेकंड सर माइनस ई टू डी पावर टू एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं बेटा सर ई टू पावर टू एक्स टेन एक्स प्लस सी ई टू डी पावर टू एक्स टेन एक्स अपॉन टू प्लस सी यस सर सही है सर e to the power 2x upon 2 10x plus c बिल्कुल बिल्कुल तो ये हो गया e to the power 2x into 1 upon 2 sec square x plus 2 और 2 कटा cos cos कटा कटा 10 आ गया ना सर इंटीग्रेशन अब ये 10x क्या बेटा सर इंटीग्रेशन का एक ही आंसर आना कंपलसरी होता है नहीं 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 मैंने तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इंडेफिनिट में एक ही आंसर नहीं आता वो कन्वर्टेबल है बट अलग अलग हो सकता है आंसर तुमने कौन से मेथड से किया है जो तुम्हें डाउट हो रहा है वो बता दो मुझे सर मैंने तो मतलब ऊपर वाले को sin x + cos x का होल स्क्वायर और नीचे cos x स्क्वायर - sin x स्क्वायर वाला लगा एक सेकंड चलो अभी देखता हूँ पहले मैं ये वाला कर देता हूँ फिर तुम्हारा मेथड डिस्कस करते हैं ठीक है अब ये देखो ये 10x है तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं है एक प्रॉब्लम और यहाँ e टू दी पावर x नहीं है तो इसको बेटर है कि हम अपने हिसाब से इसको इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया आपका इसको अलग लिख लेते हैं इसको अलग लिख लेते हैं ऐसे ही होगा या नहीं होगा बोलो तो ये हो गया e टू दी पावर 2x * 1 / 2 sec स्क्वायर x dx plus integral of e to the power 2x into 10x dx. तो 10x का derivative पता है sec square x है. इसको तो as it is छोड़ दो और इसको लिखो. First function into क्या होता है बताओ? Second का integral sorry. First function लो 10x Euler के हिसाब से into second का integral ये हो गया. First function into second का integral minus integral of पहले वाले का differentiation into second का integral dx plus c तो ये वाला जो है और ये वाला जो है सेम है कि नहीं है बताओ
हमने यहाँ पर बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करा और इसको एज इट इज छोड़ा सर, e टू द पावर 2x tan x बाय 2 e टू द पावर 2x इनटू tan x बाय 2, तो ऐसा देख लेना पड़ता है कई बार, डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा करना पड़ा है यहाँ पे, कोई डाउट? नो सर। अच्छा बेटा अब तुम बताओ तुमने कौन सा मेथड करा था, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। e टू द पावर x इनटू, मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ, तुमने जो पहली स्टेप बोली वो ये बोली है कि इसको न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या लिखोगे बोलना? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब आगे नहीं नहीं सर गलती पता चल गई सॉरी। ठीक है चलो, अब ये समझ में आ गया था ना ये वाला मेथड? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में भी गिवन है, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ये कोई बाई पार्ट्स वगैरह तो नहीं है, डायरेक्टली कुछ इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, देखना जरा ये कैसे होगा। सर इसे साइन ए प्लस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस। बस बस वही तरीका है। हाँ करो करो, ऑल ऑफ यू ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई, ये एनसीईआरटी में भी है शायद इस टाइप का क्वेश्चन। Thank you.
सर वन अपॉन कॉस ए माइनस बी लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस लॉग साइन एक्स माइनस बी। हाँ मतलब अपने हिसाब से ठीक है। नहीं सर वन अपॉन कॉस ए माइनस बी लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है इसको कॉस ए माइनस बी से डिवाइड कर दो और कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो कॉस ए माइनस बी है इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ क्या एक्स माइनस बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। बताओ बच्चों सही है? यस सर। तो ये देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी और बीच में माइनस साइन है तो हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी और अपॉन में है ये आपका साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट अगर मैं करूंगा इसको तो ये देखो ये वाला आ गया कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कट गया ये टी होंगे तो ये डी टी हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए। हालांकि मुझे काटा हुआ दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि अलग अलग भी होगा तो इधर वाले में कटेगा जब इधर वाला लेंगे तो क्या कैंसिल आउट होगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए कटेगा इधर वाले में तो कॉस को अगर हम टी पुट करेंगे तो ये माइनस डी टी आ जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी आएगा। बताओ समझ में आ गया होगा बच्चों? यस सर। तो ये लॉग ए माइनस बी हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी तो ये हो गया लॉग ए अपॉन बी। लिख लो चलो थोड़ा और आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और लिखो करो ट्राई।
बच्चों कर रहे हो ना? जी सर, एक सेकंड। बच्चों हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। वेरी गुड सर। बस एक सेकंड सर, एक सेकंड मत बताओ सर प्लीज। ओके 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 ठीक है। सर एक्स ई की पावर टेन इनवर्स एक्स आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा।
करूं अब मैं? एक्स ट्वेंटी हो जाएगा और x हो गया 10t यहाँ से ना? यस सर। और आसान हो गया, अब ये e की पावर t इनटू 1 प्लस 1t प्लस n स्क्वायर t हाँ, और ये सारा dt बन गया और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर t हुआ sec स्क्वायर t और x हो गया 10t, तो ये 10t प्लस sec स्क्वायर t आ गया। तो ये f है तो ये f डैश है, एक f है तो एक एफ डैश है, तो ये आंसर आ गया या नहीं आ गया? यस सर, ई की पावर टी टेन टी ई की पावर टेन एमएस है सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। पहले तो ये करो, करो जल्दी लाना। बेटा हो गया? बताओ सर, एक सेकंड होने वाला है सर। ठीक है ठीक है,
सर आप बताना तुम क्या कर रहे हो उसमें, ये बताओ। सर पहले जो मैंने किया था उसमें मैंने इसको साइन और कॉस में बदला था, पहले टेक स्क्वायर को 1 + tan² में बदला था, हाँ फिर उसको साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर में बदला था, फिर x प्लस 2 साइन x कॉस क्यूब x डॉट dx आ गया था। तो उससे कोई फायदा हुआ? सर उससे ये हो गया कि मेरा एंड में जाके फंस गया, एंड में मेरे बच्चे का हुआ और किसी बच्चे का जल्दी बताओ फिर मैं बताता हूँ। सर e की पावर y tan इनवर्स y का हो सकता है इंटीग्रेशन? e की पावर y tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स y को पहले लेना पड़ेगा ना। तुम कर तो सही रहे थे जो साइन sec tan और उसमें कर रहे हो, कर तो सही रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा, हो तो जाना चाहिए। सर वहां फंस गया मैं एक जगह आगे जाके। चलो मैं करता हूँ, चलो पुट टेन एक्स एस टी तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो पहले वाले इंटीग्रल में देखो e टू दी पावर t x को हो गया tan इनवर्स t और बाकी dt हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। यस सर। अच्छा अब दूसरे वाले इंटीग्रल को अलग से देखो, e टू दी पावर अगर मान लो हमने tan x को t माना है तो sin 2x क्या हो जाएगा? 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो e टू दी पावर टेन एक्स हो गया t, तो e टू दी पावर t इंटू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, टेन एक्स को t माना है तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। बोलो। जी सर। तो dx हो जाएगा, तो dx हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर x यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर, तो नीचे वाला टर्म ये आएगा या नहीं आएगा फाइनली? तो ये तो हो गया tan इनवर्स t और अगला टर्म क्या हो गया? अगला टर्म हो गया आपका 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आया नहीं आया? बोलो। अब करो इसको सॉल्व। ये बचा हमारे पास, अब इसको सॉल्व करना है हमें। मैं इसको अलग से लिख रहा हूं नीचे, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t इंटू टेन इनवर्स t dt पहला फंक्शन बना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t इंटू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt दूसरा फंक्शन बता। तो आइलेट मेथड से इनवर्स है, तो अगर मैं इसको पहला ले लूं फॉर एग्जांपल, तो ये बनेगा आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये आया प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसमें फिर से यही काम करो, इस वाले में बीच वाले में ये तो यही आ जाएगा tan इनवर्स t इनटू e टू द पावर t माइनस आइलेट, तो वन अपॉन वन प्लस क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा,
इंटू ई टू दावर टी डी टी प्लस सी, और प्लस ये वाला इंटीग्रल चल ही रहा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। तो ये देखो, ये वाला जो है ना सेकंड वाला, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस पहले दो बचेंगे। आइडिया आया है नहीं? यस सर। बोलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। अरे बताओ, ये देखो मैंने क्या करा है, कुछ खास बात नहीं करी है। टेन एक्स को टी माना तो sec स्क्वायर x dx dt हो गया। तुम अलग अलग देख लो, बात ही खत्म करो। टेन एक्स को टी माना तो sec स्क्वायर x dx dt हो गया। तो पहले वाला इंटीग्रल ये हो गया e टू द पावर t इंटू डी टी, और x को लिख लिया tan इनवर्स t, ये सब भूल जाओ। इसमें मैंने साइन टू एक्स को लिखा टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो टेन एक्स को टी माना तो sec स्क्वायर x dx dt बनेगा। तो सेकेंड वाला इंटीग्रल ये आ गया। फिर मैंने सेकेंड इंटीग्रल को एज इट इज छोड़ दिया, इसमें बाई पार्ट्स लगा दिया। इसमें बाई पार्ट्स लगाने के बाद मैंने इसमें रिपीटेड बाई पार्ट्स लगा दिया। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बस ये बचेगा आंसर। तो टी जो तुमने माना था वो रख देना, आंसर आ जाएगा। ये सर हो गया e की पावर 10x x + cos2x। हां ठीक है ठीक है, समझ में आ गया ना? जी सर। ठीक है बेटा। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर इसकी डीपी भी अपलोड हो गई? सर लेफ्ट करो।